नमस्कार साथियों मैकटेक आई टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैकटेक आई टी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास की एक सीरीज़ शुरू की है जिस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज या यूं कहें टॉपिक वाइज कंप्लीट डिस्कशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कर रहे हैं इसमें आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट टू है यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उसे भी ज़रूर देखिए आपके टॉपिक वाइज एग्ज़ाम की तैयारी होगी आज का टॉपिक है कस्टमर इंटरेक्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी ट्रेड्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है तो आप सभी के लिए ये काम में आ सकती है तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सकें साथ ही साथ यदि आप हमारे वीडियोस में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखना चाहते हैं कोई सुधार देखना चाहते हैं तो हमें सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं सुझाव दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट टू शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कस्टमर इंट्रैक्शन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है तो पहला ऑप्शन है प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू टू ओपन द ओपन अप द कन्वर्सेशन विद कस्टमर क्वेश्चन पूछने से आपको कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करने में ज्यादा आसानी होती है दूसरा ऑप्शन है प्रोबिंग हेल्प्स यू अर्न अबाउट द कस्टमर्स पेन पॉइंट प्रोबिंग के माध्यम से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कस्टमर का वीक पॉइंट क्या है प्रोबिंग हेल्प्स यू टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ वेल टू द कस्टमर प्रोबिंग की मदद से आप कस्टमर के सामने अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चौथा ऑप्शन है प्रोबिंग हेल्प्स यू इन बिल्डिंग ट्रस्ट सो यू कैन रिसीव ऑनेस्ट फीडबैक प्रोबिंग की मदद से प्रोबिंग की वजह से आप कस्टमर के सामने एक ट्रस्ट जो है बिल्डअप कर सकते हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक प्रदान कर सकता है इसका सही आंसर है सी प्रोबिंग हेल्प यू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ वेल टू द कस्टमर अगला क्वेश्चन है इट इज द बेस्ट इट इज बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन क्वेश्चन इट इज बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन वेन आस्किंग क्वेश्चन जब क्वेश्चन आंसर हो रहे हो तो क्वेश्चन पूछना बेस्ट है कब पहला ऑप्शन है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड तीसरा ऑप्शन है रूट चौथा ऑप्शन है सेंसिटिव इसका सही आंसर है ए ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो ओपन एंडेड हूँ तथा क्लोज एंडेड हूँ। आपके सामने है ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो किस शब्द से शुरू होते हैं आपके ऑप्शन हैं वॉट वाई हाउ ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वॉट वेन हाउ इस तरह के शब्दों से शुरू होते हैं अगला प्रश्न एक ब्लैंक्स है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन बेटर पोजिशन टू मेक अगर आपको प्रोबिंग की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो आपके लिए बेटर पोजिशन क्या होगी पहला ऑप्शन है अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सजेशन एक सही प्रोडक्ट का सजेशन करने में दूसरा इफेक्टिव ग्रीवेंस सॉल्विंग इफेक्टिवली जो भी आपके ग्रीवेंस हैं उनको रिजोल्व करने के लिए तीसरा ऑप्शन है गुड रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट चौथा ऑप्शन है नो no प्रोग्रेस उससे कोई प्रोग्रेस प्राप्त नहीं होगी इसका सही आंसर है ए अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सजेशन अगला प्रश्न है वाइल्ड प्रोबिंग योर कस्टमर योर मेन फोकस शुड बी ऑन योर जब आप कस्टमर से खोज परख या छानबीन कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए आपका पहला ऑप्शन है सेल्स टारगेट दूसरा ऑप्शन है कस्टमर नीड तीसरा ऑप्शन है फोर्सिंग कस्टमर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव तो इसका सही आंसर है कस्टमर नीड खोज परख या छानबीन के दौरान आपको कस्टमर की क्या ज़रूरत है क्या कस्टमर चाह रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए मेन फोकस होना चाहिए अगला प्रश्न आपके सामने है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर इन माइंड वेन यू प्रो कस्टमर जब आप कस्टमर की छानबीन कर रहे हैं तो आपके माइंड के अंदर में किस बात का ध्यान होना चाहिए पहला ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज दूसरा ऑप्शन है पर्सनल नीड तीसरा ऑप्शन है ड्रीम चौथा ऑप्शन है थॉट पहला ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज आपको बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस गलत है आपका पहला ऑप्शन है आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन सभी कस्टमर से एक ही तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए दूसरा ऑप्शन है आस्क द क्वेश्चन विथ ए जेन्यूइन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड अपने कस्टमर से बात करने के दौरान आपका मेन फोकस होना चाहिए ये जानने के लिए कि, कि कस्टमर की जरूरत क्या है तीसरा ऑप्शन है ओनली आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन अपने कस्टमर से केवल आप संबंधित क्वेश्चन ही पूछें

अगला प्रश्न आपके सामने है यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड टू कंप्लीट द ग्रीटिंग जब आप अपने कस्टमर को ग्रीट करते हैं तो इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको करना चाहिए बोलना चाहिए कस्टमर को ग्रीट करते समय पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू वांट? दूसरा ऑप्शन है व्हाई हैव यू कम पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू वांट? यानी आपको क्या चाहिए दूसरा ऑप्शन है व्हाई हैव यू कम यानी आप कहाँ क्यों आए हैं तीसरा ऑप्शन है हाउ मे आई हेल्प यू मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूं चौथा ऑप्शन है डू यू वॉन्ट अ फोन सर क्या आपको एक फोन चाहिए सर इसका सही आंसर है सी हाउ मे आई हेल्प यू मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूं अगला प्रश्न आपके सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आस्क लिसन रिपीट टेक्निक आस्क लिसन रिपीट पूछना सुनना और रिपीट करना टेक्निक्स में से टेक्निक को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है पहला ऑप्शन है आस्क मेनली ओपन एंडेड क्वेश्चन मेनली आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए दूसरा ऑप्शन है नेवर यूज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए तीसरा ऑप्शन है लिसन क्लियरफुली सावधानी से सुनना चाहिए चौथा ऑप्शन है रिपीट वॉट यू अंडरस्टूड फ्रॉम द कस्टमर रिस्पॉन्स कस्टमर रिस्पॉन्स से आपने क्या समझा उसे रिपीट करना चाहिए इसका सही आंसर है बी यानी कि इन चार सेंटेंस में से केवल बी ये बी ऑप्शन गलत है कि कभी भी आपको क्लोज एंडेड ऑप्शन क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जबकि सच्चाई तो ये है जबकि सही बात ये है कि आपको ओपन एंडेड तथा क्लोज एंडेड दो, दोनों तरह के सवाल पूछने चाहिए अगला प्रश्न आपके सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दिए गए स्टेटमेंट्स uh, में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला ऑप्शन है आस्क लिसन रिपीट यूजेज अ मिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन आस्क लिसन और रिपीट जो फार्मूला है इस फार्मूले से इस टेक्निक से आप ओपन तथा क्लोज एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहला, दूसरा ऑप्शन है इट इज़ यूज टू बिकम फ्रेंड्स विद कस्टम कस्टमर इसकी मदद से आप कस्टमर के साथ में फ्रेंडशिप फ्रेंड या फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं इट नीड्स टू बी यूज विथ कस्टमर एट द टाइम ऑफ बिलिंग इसकी आवश्यकता कस्टमर के साथ में जब बिलिंग होती है तब पड़ती है चौथा ऑप्शन है इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेल टू कस्टमर इसका मेन पर्पज़ है अपने आप को कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस करना इसका सही आंसर है ए आस्क लिसन रिपीट यूजेज अ मिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके सामने है विच ऑफ दिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिए गए ऑप्शन uh, में से कौन सा ऑप्शन जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन है वॉट आर द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस फोन यहां पर वॉट का उपयोग हो रहा है तो ये क्लोज नहीं बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है वॉट काइंड ऑफ फोन डू यू वॉन्ट टू बाई किस तरह का फोन आपको खरीदना है यहां पर भी वॉट का इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है तीसरा ऑप्शन है आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग अ फोन कवर क्या आप फोन कवर लेने में इंटरेस्टेड हैं सर तो यहां पर वॉट डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा सी अगला प्रश्न है आस्क लिसन रिपीट इज अ टेक्निक यूज्ड टू आस्क कस्टमर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड देयर आस्क लिसन रिपीट जो टेक्निक है यह कस्टमर से क्वेश्चन पूछने की टेक्निक है जिससे कस्टमर की क्या समझा जा सके डैश समझा जा सके तो डैश में आपका क्या आएगा पहला ऑप्शन है रिक्वायरमेंट दूसरा ऑप्शन है फैमिली तीसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड चौथा ऑप्शन है जॉब प्रोफाइल इसका सही आंसर है रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट समझा जा सके अगला प्रश्न आपके सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द आस्क लिसन रिपीट टेक्निक आस्क लिसन रिपीट टेक्निक से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस इसमें से गलत है तो पहला ऑप्शन है लिसन केयरफुली सावधानी पूर्वक सुनिए दूसरा ऑप्शन है ट्राई एंड सेल एज मैनी प्रोडक्ट एज पॉसिबल कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने की तीसरा ऑप्शन है पे अटेंशन सावधानी पे पूर्वक देखिए तीसरा चौथा ऑप्शन है डू नॉट इंटरप्ट डिस्टर्ब मत कीजिए तो इसमें से गलत ऑप्शन बी है ट्राई एंड सेल एज मैनी प्रोडक्ट एज पॉसिबल अगला प्रश्न आपके सामने है वॉट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल ग्रीटिंग द कस्टमर कस्टमर को ग्रीट करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पहला ऑप्शन है स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट मुस्कु मुस्कुराइए तथा आँखों से आँखें मिला करके बात करना है दूसरा ऑप्शन है एक्नॉलेज द कस्टमर प्रेजेंस कस्टमर की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना है तीसरा ऑप्शन है इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव दिस इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पंद्रह आई एम डूइंग वेल कैन ऑल्सो बी सेड एज मैं अच्छा हूं और किस तरीके से कहा जा सकता है पहला ऑप्शन है आई एम फाइन दूसरा ऑप्शन है आई एम आई एम अनहैप्पी तीसरा ऑप्शन है आई एम इमोशनल चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दफ तो इसका सही आंसर है आई एम फाइन तो ये थे आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कस्टमर इंट्रैक्शन टॉपिक के पंद्रह क्वेश्चन हम कस्टमर इंट्रैक्शन टॉपिक के आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबे हो जाते हैं इन क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन के दौरान ये वीडियोज़ लंबे हो जाते हैं आप भी इसे पूरी तरह से देख नहीं पाते तो इसलिए हम छोटा वीडियो बनाने के कारण यहाँ पर पंद्रह ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं अगले आगे के जो वीडियो आगे के जो क्वेश्चन हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे रहेंगे तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें आपको हमारा ये प्रयास यदि अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और मोटिवेशन प्राप्त होगा तो हम और अच्छे वीडियोज़ इसी तरह से आपके लिए लेकर के आते रहेंगे हमारी मेहनत को ज़ाया ना होने दें कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुभ हो